कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रही हैं? कराची। कराची जा रही हैं आप? वहाँ से दाखिल हुए यहाँ तक किसी सिक्योरिटी वाले ने रोका आपको, चेक किया सामान? नहीं, कोई नहीं चेक किया। कोई चेकिंग नहीं? कोई चेकिंग नहीं। यानी यहाँ पे जो मर्जी आ जाए कोई चेकिंग? कोई चेकिंग बैलेंस, कोई चेक बैलेंस नहीं है, ना गाड़ियों में ना बाहर, कहीं नहीं। कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं? है ही नहीं। यहाँ पे सहूलियात मिलती है, कोई बैठने की जगह, कोई पार्क? देख लो आपके सामने ही है, सब खड़े हुए, सब खड़े हुए। ट्रेनों का भी यही हाल है, कोई ना पानी है ना कोई बैठने का इंतज़ाम है, एक मजबूरी है हम सफ़र करना, क्योंकि सस्ती पड़ती है। ज़ाहिर है, अब कैसे जाएगा हर बंदा? अंदर भी बुरे हालात, बहुत बुरे। एक दफ़ा आप लोग भी सफ़र करके कर देखें, बैठें, पता लगेगा आपको कि सफ़र कैसा है। आप क्या कहते हैं? यही क्या? यही है। हाँ, हम तो सफ़र ही ट्रेन का करते हैं, हम कभी बसों में गए ही, हमेशा ट्रेन का सफ़र किया तो, लेकिन हालात बहुत बुरे। तो बड़े बड़े दावे हुए हर दौर में कि ट्रेन अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है, कुछ नहीं, कुछ ना नहीं। ना पानी है, ना कोई वॉशरूम का कोई सिस्टम है, ना दरवाजे बंद होते हैं, सब खुले हुए हैं, कैसे कोई वॉशरूम जाएगा? दरवाजे ही बंद नहीं होते, नहीं होते। चले अभी भी अंदर लगेगी ना तो देखना, अंदर जाके ट्रेन को एक दफ़ा, हाँ एक दफ़ा। तो अच्छी ट्रेन समझी जाती है? अच्छी अच्छी, कराकरम बड़ी अच्छी ट्रेन है, यही समझा जाता है। टेबल लगे हुए थे, टेबल भी उतार लिए, उतार लिए। अब वो भी नहीं है कि गिलास नहीं रख सकते, वो भी हाथ में पकड़ के बैठे रहो, और किराए हर थोड़े। लंबा सफ़र, कोई सहूलत ही नहीं, बिल्कुल नहीं। टिकट कितने की है जी? 4,000 की। 4,000 की? इकोनॉमी की। एसी में जाओ तो 10,000। 10,000 की है। सहूलत कोई नहीं? सहूलत बिल्कुल भी नहीं, जीरो है। मजबूरी है कि हम लोगों ने सफ़र करना इतना लंबा। तो आप आवाज़ उठाएं, इसलिए तो आए हैं। इसलिए तो खड़े हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है पूरे हमारे, पूरे पाकिस्तान का, कराची से लेके लाहौर तक हम सफ़र किया, बहुत बुरे हालात। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कराची जा रही हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद जा रही हूँ। फैसलाबाद जा रही जी। कोई चक्कर नहीं है, कोई किसी को सहूलत नहीं है, लुटी जाओ, मौजा करो। बिल थे उसके पे जो, और जो किराया धस के लो, सब कुछ धस धस के लेना है, किसी को कुछ देना नहीं है। ये पाकिस्तान है, मुसलमान है, तो जब सीटें नहीं है कोई भी था खड़ेंगे होंगे तो क्या करेंगे? जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। क्या है यहाँ पर, देखिए कैसे रश है, क्या बना हुआ लोगों का, कुछ को मतलब कि पाकिस्तान, मैंने आपको बता दिया माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तो जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान में जो रहने वाले, पाकिस्तान में जो रहने वाले जिनकी जिम्मेदारी, उन्होंने तो ठीक करना है। हुकूमत भी तो जिंदाबाद है, वो अपने गले भरेगी या हमारे को सही करेगी? गले तो कुछ देगी ना, उन्होंने तो जाके आगे अल्लाह को पैसे देके अपनी बख्शिश करवानी है। हाँ, हम लोगों ने अल्लाह को पैसे कहाँ देने हैं? हम लोगों ने नमाजों से बख्शिश करवानी है, उन्होंने पैसों से करवानी है, तो ये लगता है। हाँ, क्योंकि उनके जो पीछे बच्चे छोड़ जाएंगे ना, जो पैसा खर्च करेंगे वो उनको बख्शवाएंगे। कहना जिन्ना नहीं तो पाप कमाना, कितने नहीं तरह कर दे, रू विद्या होती नहीं तो चुको चुको कर दे। ये गुफ्तगू सुननी है।